चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो जो चलचित्र की सोच थी वो सोच आज तक देश में लागू तो नहीं हो पाई। तो एक तरह से किसान कौम का प्रतिनिधित्व ने किया जाति से ऊपर उठकर। उस समय जातियों का प्रकोप इतना था भी नहीं जितना बढ़ रहा, धीरे धीरे तो ज्यादा बढ़ रहा है। हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की बची लगी। हमारे साथ में जो देश थे जिनकी आर्थिक स्थिति करीब करीब हिंदुस्तान जैसी थी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो श्रीलंका हो, दोनों देश दिवालिया घोषित हो चुके। दो समस्या हमारे यहाँ किसान की विशेष रूप से। पहली समस्या है खेत में आवारा पशु और दूसरी अभी तक गन्ने का भाव निकले नहीं है। दो समस्या विशेष रूप से। 121 साल जिस महान शख्सियत को जन्म लिए हुए, कुछ लोग राजनीति में बहुत लोग होते हैं, बहुत विधायक बनते हैं, बहुत सांसद बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो महापुरुषों की श्रेणी में आ जाते हैं, जिन्हें कई पीढ़ियों तक आगे भविष्य में याद किया जाता है। चौधरी चरण सिंह उनमें से एक थे। ना उनके लिए जाति की कोई दीवार थी, ना उनके लिए धर्म की कोई दीवार थी। किसान मसीहा के रूप में उन्हें हमेशा जाना गया। और आज 121 साल बाद 1937 में पहली बार विधायक बने थे चौधरी चरण सिंह, जब अंग्रेजों का शासन था देश में, उसी दौरान छतरपुरी से पहली बार विधायक बने। और आजादी के बाद जो सरकार बनी उसमें मंत्री रहे, और मुझे लगता है 1950 से 1961-62 तक करीब तक 12-13 साल में दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, लगातार अलग अलग विभाग में मंत्री पद पर रहे। मंत्री पद पर तो बहुत लोग रहे, बहुत से ऐसे लोग होंगे, वैसे तो सर्वोच्च शिखर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, लेकिन मंत्री रहते हुए जो कार्य उन्होंने किए, जैसे जमींदारा उन्मूलन या सीलिंग एक्ट, ऐसे बहुत से किसान के हित में करते जो छोटे किसान के हित में निर्णय उनके द्वारा लिए गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हम जाते हैं, अगर हम कुर्मी बहुल क्षेत्र में जाएंगे तो कहेंगे चौचरण सिंह कुर्मी थे, अगर यादव बहुल क्षेत्र में जाते हैं तो कहते थे चौचरण सिंह यादव, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहते थे कि चौचरण सिंह जाट। तो एक तरह से किसान कौम का प्रतिनिधित्व ने किया जाति से ऊपर उठकर। उस समय जातियों का प्रकोप इतना था भी नहीं जितना बढ़ रहा, धीरे धीरे तो ज्यादा बढ़ रहा है। और ज्यादातर हमने यहां तक सीमित कई बार करना चाहते हैं उनकी ज्यादा लोकप्रियता और ज्यादा राजनीतिक सफलता पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में विशेष रूप से चौचरण सिंह की रही है। और किसानों के लिए जो काम किए वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें तो कहीं की दो राय नहीं। और जो भी कम से कम इस क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन में सामाजिक जीवन में रहना चाहता है वो चौचरण सिंह का नाम लेकर हमेशा शुरुआत करते रहे। तो इतनी बड़ी शख्सियत रही, एक संवाद का कार्यक्रम है, विशेष रूप से असली भारत गांव व्यवस्था है जो परमिंद्रा ने कुछ वो बताए। उनकी एक सोच थी, बहुत कम लोगों को पता है कि वे एमए इकोनॉमिक्स थे। उनकी लिखी हुई किताबें विदेश के विश्वविद्यालय में पढ़ाई गई, ऐसा नहीं था कि सिर्फ क्या। और उनकी इकोनॉमिक्स रूरल इकोनॉमिक्स से जुड़ी थी, गांव की। वो हमेशा कहते थे गांव की समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहान सबको गुजरता है। और चौचरण सिंह विशेष रूप से लघु उद्योगों के पक्षधर थे। मैंने उनकी इकोनॉमिक्स की जो किताब पढ़ी है, जितना उनके बारे में पढ़ा है, उनका नजरिया था कि बड़ी इंडस्ट्री के बजाय सरकारों को छोटी इंडस्ट्री और जो रूरल बेस्ड इकोनॉमी उस पर ध्यान देना चाहिए। उनका और उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी का टकराव भी इसी बात पर था, सामूहिक खेती और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर उन दोनों का हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। टकराव नहीं कहूंगा, वैचारिक मतभेद। वो हमेशा छोटी इंडस्ट्री और लघु उद्योग के पक्ष में थे और नेहरू जी बड़ी इंडस्ट्री के पक्ष में थे। आज जब उनकी बात को हम यहां देखें, अब चूंकि नेहरू प्रधानमंत्री थे तो देश उसी दिशा की तरफ चल गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी, गांव में लघु उद्योग नहीं लग पाए, बल्कि जो लघु उद्योग थे धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर हो गए। धीरे धीरे हम शहरों में जो छोटा काम करने वाले लोग थे वो भी शहरों की तरफ से उठो। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि शहरों में सुविधाएं रही, गांव में सुविधा नहीं रही। कोई भी इंडस्ट्री लगो, लघु उद्योग लगो, उसे बिजली की आवश्यकता पड़ती है, उसे आने जाने के लिए सड़कों की आवश्यकता है। उस समय पर ग्रामीण स्तर पर सुविधाएं नहीं थी, इसलिए बड़ी इंडस्ट्री का चलन चला। अगर जब लघु उद्योग की अगर बात करें तो अगर कोई सिसोली का व्यक्ति है
और सिसोली के आसपास कोई छोटी सी इंडस्ट्री लग जा, उसे चाहे 10,000 रुपए मिलो, वो अपने घर से जाके काम कर सकता है, वापस घर आ सकता है। अगर उसे नोएडा गाजियाबाद भेजोगे तो बहुत बड़ी चाहिए। तो जो चरण सिंह की सोच थी वो सोच आज तक देश में लागू तो नहीं हो पाई, लेकिन ये सच है कि इस देश में गांव का विकास और उसका रास्ता वाकई उस सोच के साथ होकर गुजरता है। अब दुनिया में बड़े बदलाव, अब दुनिया एक तरह से पहले प्रदेश अलग अलग होते थे, फिर देश एक होना शुरू हुआ, अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स एक हो चुकी है। चूंकि चोर साहब इकोनॉमिक्स के प्रकांड पंडित थे तो उसके बारे में दो बात कहना चाहूंगा। पहला मैं लगता था मंत्री बनने से पहले कि नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव इस तरह से आपस में हो सकते, अब तो पूरी दुनिया एक बाजार हो गया, चाहे किसी भी देश को अपने आप को अलग अलग कोई देश नहीं रख सकता, हर देश कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में दूसरे देश के ऊपर निर्भर। और कोरोना के बाद जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी 2 साल में बैठी है तो एक दूसरे को ज्यादा प्रभावित करना लगातार, एक देश दूसरे देश को लगातार ज्यादा प्रभावित करता है। और अच्छी बात यह है कि कम से कम इस बदलते हुए दुनिया में जो एक ग्लोबलाइजेशन हुआ है नरसिम्हा राव के समय से, मैं विशेष रूप से युवा साथियों बच्चों के लिए बात बताना चाहता हूं, हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की बची है। हमारे साथ में जो देश थे जिनकी आर्थिक स्थिति करीब करीब हिंदुस्तान जैसी थी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो श्रीलंका हो, दोनों देश दिवालिया घोषित हो चुके हैं। दोनों की स्थिति बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि बहुत से लोगों को शायद गांव के स्तर पर पता नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में तो कई जगह आटे के भाव 150 से 200 रुपए किलो है, और श्रीलंका की हालत यह है कि भारत सरकार अगर मदद ना करे तो श्रीलंका बिल्कुल कोलैप्स होगा, पलायन होगा। इस ऐसे बदलते हुए दौर में कम से कम भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो और देश के मुकाबले थोड़ी बेहतर है, काफी बेहतर है, थोड़ी बेहतर है। आज के देश में तो ये हालत है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उनमें भी समस्या आ रही, चाहे वो पूरा यूरोप की इकोनॉमी कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर है, क्योंकि 2 साल का जो झटका था कोरोना का उसमें सिर्फ किसान ने काम किया, उस 2 साल का 1.5-2 साल तक देश में कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाया, बहुत कम दिक्कत रही, सिर्फ किसान एक ऐसा था कि जो खेत में काम करता रहा, बाकी कोई उस कोरोना के बदलते हुए दौर में काम नहीं पाया और सरकारों के खर्च बढ़ते रहे। इस तरह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी पूरी दुनिया की कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई। तो ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है, युवाओं के सपनों का हिंदुस्तान है, 150 करोड़ की आबादी बहुत बड़ी है। अभी अभी शायद आपने आज अखबार में पढ़ा भी होगा, इजराइल ने 1 लाख कामगार और कारीगर हमसे मांग रहा है, क्योंकि दुनिया के जिंदे हमारे पास सबसे बड़ी ताकत भी यही है और समस्या भी हमारी पॉपुलेशन है। दुनिया के देश अलग अलग देशों में जहां वर्क फोर्स की आवश्यकता है, इस समय ऐसी स्थिति है कि हिंदुस्तान से आज के दिन मांग रहे हमारी ताकत भी है, पूरा अरब कंट्रीज में देखोगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोग काम कर रहे हैं। और गांव और शहर के बीच का फासला पिछले 10 सालों में अगर रखेंगे कमजोर कम हुआ है, जो सुविधाएं पहले शहरों तक सीमित थी, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, चाहे वो सड़कों की सुविधा हो, चाहे वो आने जाने के ट्रांसपोर्ट के साधन हो, कहने के गांव और शहर के बीच का जो गैप था वो कम होना शुरू हुआ। और आने वाले समय में अभी मेरे याद है जब मैं मंत्री बना तो 4 घंटे बिजली आ गई थी गांव में, अब 4 की बजाय 17-18 घंटे हुई, और आने वाले 1-1.5 साल में सरकार का ये विचार है कि इसे बजा के 24 घंटे किया जाएगा, गांव में भी 24 घंटे बिजली होगी, शहर में भी 24 घंटे बिजली होगी, सड़कें अब गांव तक पहुंच गई चढ़ के चौड़ी होगी, शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे गांव स्तर पर थोड़ी पहले से बेहतर होती जा रही। तो गांव और शहर के बीच जो गैप था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। अब 2 मुद्दे ऐसे हैं, चूंकि किसानों की राजधानी में हूँ, किसान भवन में हूँ, और आज का दिन ऐसा है कि मैं राजनीतिक बात को बिल्कुल कहनी नहीं चाहिए, ना मैं राजनीतिक बात के लिए आया हूँ, मैं तो धन्यवाद दूंगा गौरव टिकैत जी को जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया आपसे 2 बात करने का अवसर दिया, विशेष रूप से युवा साथियों से। 2 समस्या हमारे यहाँ किसान की विशेष रूप से, पहली समस्या है खेत में आवारा पशु, और दूसरी अभी तक गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं है, 2 समस्या विशेष रूप से, इनके बारे में 2 बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका सांसद हूं तो आपके सामने अपनी बात रखना मेरा प्रश्न। ये समस्या आवारा पशु की कोई मुजफ्फरनगर की या उत्तर प्रदेश की, पूरे नॉर्थ इंडिया चाहे मुजफ्फरनगर चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात तक मैं रहा हूं, गुजरात तक ये समस्या बहुत बड़ी है, किसान इससे पीड़ित भी है और समस्या ग्रस्त है, इस समस्या का कोई समाधान अभी तक किसी के पास आया है। प्रयास तो किया था हमने,
कि ऐसा ऐसा अब टीके आने लगे जिससे बच्चियां पैदा होती है तो थोड़ी समस्या का समाधान हो, लेकिन वो हो नहीं पाता। इस समस्या के समाधान के लिए पहला प्रयास मैंने मुजफ्फरनगर जनपद में तुगलकपुर गांव में किया है। 31 और उसका नाम भी काउ सेंचुरी दिया है, क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यता ऐसी है कि हम लोग भी नहीं चाहते हमारे खेत में फसल खराब करें, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि भूखे मरे सड़े और इनकी दुर्गति हो, ये भी हमारे मन में बचपन से बैठा दिया गया। तो 31 दिसंबर को काउ सेंचुरी तैयार हो गई। 5,000 से लेकर 10,000 तक का गोवंश की रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह, सेंचुरी नाम इसलिए दिया कि वहां खुलकर रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक खुंटे पर बांध दिया जाए और बंद कर। 31 दिसंबर को काउ सेंचुरी का काम पूरे होने जा रहा है। 7 या 8 जनवरी से हमने हर ब्लॉक में कैटल कैचर खरीद लिया, ब्लॉक प्रमुख यहाँ मौजूद है। 7 या 8 तारीख से जनवरी से हर गांव से जितने भी पशु हैं जो बाहर घूम रहे हैं उन्हें गोवंश को पकड़ने का कार्य 7 या 8 तारीख से शुरू करेंगे, और मेरे विचार से 30 जनवरी तक मुजफ्फरनगर जनपद के किसी भी गांव में किसी भी खेत में किसी भी मोहल्ले में कोई गोवंश आपको 23-22 दिन के अंदर दिखाई देगा। सबके सब अपने बढ़ने वाले काउ सेंचुरी में हम लेकर चले जाएंगे। लेकिन ये बढ़ तो गई, ये पायलट प्रोजेक्ट है पूरे देश का, समस्या पूरे देश की है, और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू भी मैंने कर दिया, लेकिन ये अच्छा लगा कैसे बहुत बड़ा सवाल। इसमें सीएनजी प्लांट लगाया, जो गोबर होगा इन गाय का इकट्ठा होगा उससे हम सीएनजी बनाएंगे, और जो बचा हुआ सीएनजी प्लांट उसके अंदर ही लग रहा है, करीब 15 करोड़ की लागत से सीएनजी प्लांट वहां लगेगा, और साथ के साथ उसके ब्लॉक बना के जो अंतिम संस्कार में शहरों में जाते हैं उसके गोबर के ब्लॉक बनाए जाएंगे। एक तो व्यवस्था ये रहे, एक वहां ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है बड़ा, जिसमें किसी भी युवा को अगर ट्रेनिंग लेनी होगी अपनी डेयरी से संबंधित, या 3 महीने का कोर्स होगा जिससे वो स्वरोजगार अपना सकता है, वो ट्रेनिंग सेंटर भी वहां बन रहा है। लेकिन ये जनता के विशेष रूप से किसानों के सहयोग के बिना चल नहीं पाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा। अगर आप सब लोग मेरा सहयोग करेंगे, एक सहयोग तो होता है कि किसी बड़ी फैक्ट्री वाले से हर साल चंदा मांगा जाए, एक सहयोग वो होता है कि हर किसान से चाहे थोड़ा हो, चाहे एक गठरी घुस देने की स्थिति में कोई किसान है तो एक गठरी घुस भी अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं इसे चला कर दिखा दूंगा। अगर मैंने चला दिया तो मुझे लगता है जमीन की दिक्कत नहीं, पूरे उत्तर भारत में हर जनपद में आने वाले समय में काउ सेंचुरी बनकर किसान की जो सबसे बड़ी समस्या विशेष रूप से सर्दियों में इसके समाधान की तरफ कदम हम बढ़ा सकते हैं। तो मेरा आज से निवेदन जो रह रहा है, काम तो मैं कर दूंगा लेकिन आपसे सहयोग से चलाने के लिए निश्चित रूप से चलिएगा। दूसरी हमारी बात है कि अभी तक भाव डिक्लेयर नहीं हुआ, यह समस्या चुकी है किसानों की राजधानी में हूं तो बार बार ये समस्या, ये सवाल सबके मन में है, क्योंकि हमारे यहाँ भाव अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, हमारे पड़ोस के प्रदेश में भाव डिक्लेयर हो चुके और बेहतर भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बातचीत हर स्तर पर हो चुकी, अब हो सकता है कोई पत्रा निकलता हो तो मैं कह नहीं सकता लखनऊ में पत्रा लिखेगा क्या लिखेगा, लेकिन भाव बढ़ रहे हैं, और जिस दिन से गन्ना डालना शुरू हुआ इस सीजन का उस दिन से बड़ा बड़ा भाव मिलेगा। मुझे लगता है आज मुख्यमंत्री मुरादाबाद में, हो सके मुरादाबाद में डिक्लेयर कर दें या 2-4 दिन में लखनऊ करें, पर मुझे इस बार उम्मीद है कि पड़ोसी राज्यों के बराबर भाव होने की संभावना हमारी है। जितनी बात हुई मेरे स्तर तक उतनी बात का मैं आपसे बताता हूँ। एक बार फिर मैं भारतीय किसान यूनियन युवा का, विशेष रूप से गौरव टिकैत का, चौधरी उजवीर सिंह भी हमारे बीच में आए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपने इतना शानदार कार्यक्रम इतनी अच्छी सोच के साथ शुरू किया, और मुझे लेट पता लगा अगली बार जब मैं आपके बीच में आऊंगा अगर आप कभी संवाद में बुलाएंगे तो मैं औरों की बात भी सुनना चाहूंगा, अपनी बात कहकर चला जाऊंगा, अच्छी बात है, पहले सबकी बात सुने फिर कहें, क्योंकि एक यात्रा चल रही है विकसित भारत यात्रा, मुझे उसमें जाना है। अगर मुझे पहली बार आप 2 या 3 दिन पहले बताओगे तो मैं अपना कार्यक्रम इस तरह से बना पाऊंगा कि 2-3 घंटे आपके बीच में रहकर आपके विचार सुन सकूं, क्योंकि कोई आदमी बुद्धिमान नहीं होता, कोई नेता ऐसा नहीं जिसके बहुत बड़ी बुद्धि हो, समस्याओं के हल गांव के साधारण व्यक्ति वह हल निकाल देता है, जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा नेता या बड़े से बड़ा अधिकारी जो नहीं निकाल सकता, गांव का एक बिल्कुल वैसा व्यक्ति छोटा किसान उस समस्या का समाधान बता सकता है। तो अगली बार मैं संवाद के रूप में आपकी बात सुनकर जाऊंगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी।